हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ गैजेट जंक्शन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीमिंग डिवाइसेस के बारे में। अभी के टाइम पे आपको MI, फायर स्टिक और नोकिया का स्ट्रीमिंग डिवाइस मार्केट में देखने को मिल जाता है। ये स्ट्रीमिंग डिवाइसेस आपको 1800 से 6000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है कि आपको कौन सा डिवाइस परचेज करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आपको MI बॉक्स में 4K सपोर्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको 2GB रैम और 2GHz का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और बात करें यदि MI स्टिक, फायर स्टिक और नोकिया के स्ट्रीमिंग डिवाइस के बारे में, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तीनों डिवाइसेस में आपको 1GB रैम, 8GB मेमोरी, माली, 450 GPU और उसके साथ क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो आपको MI बॉक्स में 4K सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको MI स्टिक और नोकिया स्ट्रीमिंग डिवाइस में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं फायर स्टिक के बारे में। फायर स्टिक में आपको फायर OS देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली कस्टमाइज्ड वर्जन है एंड्रॉयड OS का। अब कस्टमाइज्ड वर्जन होने की वजह से इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आपको अमेजोन का ऐप स्टोर देखने को मिलता है। अमेजोन ऐप स्टोर में भी आपको इस पॉपुलर स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को तो मिल जाती है, बट गूगल प्ले स्टोर जितनी ह्यूज लाइब्रेरी नहीं मिलती ऐप्स की। अब बात करते हैं सेकेंड चीज जो फायर स्टिक में मिसिंग आउट फील होती है, वो है गूगल क्रोमकास्ट का सपोर्ट। फायर स्टिक में आपको क्रोमकास्ट की जगह मिराकास्ट देखने को मिलता है, जो कि इतना यूजफुल फील नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें आपको क्रोमकास्ट जितनी फीचर्स देखने को नहीं मिलते, जैसे मिराकास्ट लॉक स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता, मिराकास्ट में आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। तो यदि आपको कोई मूवी आपके फोन के थ्रू टीवी पर देखनी है, तो आपकी फोन की स्क्रीन आपको मूवी के ड्यूरेशन तक चालू रखना पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड, यदि आप क्रोमकास्ट यूज करते हैं, तो इसके आप लॉक स्क्रीन करके भी आपके टीवी पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। ये फीचर काफ़ी काम आता है, बिकॉज अभी भी एंड्रॉयड टीवी डेवलपमेंट फेज में है। तो ऐसे में यदि कोई भी न्यूली रिलीज स्ट्रीमिंग ऐप होती है, वो आपके स्मार्टफोन पर अवेलेबल होती है। जैसे यदि आप कोई न्यू ऐप का कंटेंट आपके टीवी पर देखना चाहते हैं, तो आप क्रोमकास्ट यूज़ करके इजीली कंटेंट टीवी पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, जो मुझे फायर स्टिक में मिसिंग आउट फील होता है, वो है इन डेप्थ सर्च सपोर्ट। यदि आप एंड्रॉयड टीवी पे कोई कंटेंट सर्च करते हैं, तो यदि आपके पास ऐप इंस्टॉल्ड है, तो उसके अंदर का कंटेंट भी आपको टीवी पर सर्च रिजल्ट में शो होता है। ऐसे में यदि आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी स्ट्रीमिंग ऐप पे कंटेंट देखना है, तो इसके लिए आपको ऐप्स ओपन करके कंटेंट सर्च करना पड़ता है। ये इतना इफिशियंट फील नहीं होता कंपेयर टू एंड्रॉयड टीवी के सर्च रिजल्ट से। अब बात करें यदि प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो आपको MI का 4K स्ट्रीमिंग बॉक्स 3500 प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड, आपको MI स्टिक 2800 रुपीज़ में देखने को मिलती है, फायर स्टिक 4000 रुपीज़ में और नोकिया का स्ट्रीमिंग बॉक्स 3200 रुपीज़ में। ऐसे में क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपको कौन सा डिवाइस परचेस करना चाहिए। तो यदि आपका बजट 4000 रुपीज़ के अंदर है, तो आप डेफिनेटली MI बॉक्स परचेस कर सकते हैं। ये बॉक्स आपको एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इस बॉक्स में आपको ज़्यादा बेटर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपको 4K स्ट्रीमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 2GB रैम मिल जाती है और उसके साथ 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसी के साथ इसमें आपको USB सपोर्ट और 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट में गाइस, USB पोर्ट काफ़ी काम आता है। आप चाहें तो आपकी पेन ड्राइव को कनेक्ट करके एंड्रॉयड टीवी का स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोडेड मूवी या टीवी शोज एक्सटर्नल ड्राइव के थ्रू कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो यदि आपका बजट 4000 है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ दी एंड्रॉयड बॉक्स। अब बात करते हैं स्ट्रीमिंग स्टिक्स के बारे में। स्ट्रीमिंग स्टिक्स में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है MI स्टिक, फायर स्टिक और एंड्रॉयड नोकिया के स्ट्रीमिंग डिवाइस में। बट यदि बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी MI स्टिक में देखने को मिलती है, जो कम प्राइस रेंज में भी आपको कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मिल जाता है। फायर स्टिक भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट यदि आप प्राइम वीडियो के फ़ैन हैं या प्राइम वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो ही आपको फायर स्टिक पे जाना चाहिए। फायर स्टिक में प्राइम वीडियो ऐप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, जिस वजह से आपको बेटर और इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आप प्राइम वीडियो के फ़ैन हैं, तो विद क्लोज आइज आपको फायर स्टिक परचेस करना चाहिए। सो गाइज, आप MI बॉक्स, MI स्टिक या फिर फायर स्टिक में से कोई सा भी स्ट्रीमिंग डिवाइस परचेस कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। सो प्रीटी मच दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हिट लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वन।